हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीयूई द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 1/10/2021 क्रमांक संख्या 84। आज की वर्कशीट मैथमेटिक वर्कशीट है जो क्लास 3 के लिए है। यहाँ पर आप ए बी सी जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिएगा। आज हम करेंगे रिलेटेड लर्निंग आउटकम एनालिसिस एंड अप्लाइज एंड अप्रोप्रिएट नंबर ऑपरेशन इन द सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा त्यौहार है? कल गांधी जयंती है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हमारे देश में यह दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शीना और सोहेब की कॉलोनी में गांधी जयंती के अवसर पर सभी घरों में लड्डू बांटे जाते हैं। उसकी मम्मी को लड्डू बनाकर पैक करने का काम करना है। ठीक बच्चों, देखिए कल महात्मा गांधी जयंती है। कल गांधी जयंती है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। शीना और सोहेब की कॉलोनी में भी गांधी जयंती के अवसर पर सभी घरों में लड्डू बांटे जाते हैं। तो उसकी मम्मी को लड्डू बनाकर पैक करने का काम करना है। हर डिब्बे में दो लड्डू पैक करने हैं। दोनों भाई बहन ने भी एक थाली में कुछ लड्डू ले लिए और उन्हें पैक करना शुरू कर दिया। दोनों भाई बहन भी लड्डू एक थाली में लेकर आ गए और पैक करना शुरू किया। थाली में लड्डू खत्म होने पर वह अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि उन्होंने कितने लड्डू पैक कर लिए। उन्होंने देखा कि उन दोनों ने मिलकर 12 डिब्बे बना लिए। दोनों भाई बहन शीना और सोहेब ने भी एक थाली लड्डू भरकर लाए थे और उन्होंने पैक किया, पर उन्हें अंदाजा नहीं है कि उन्होंने कितना पैक किया। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। पर उन्होंने 12 डब्बे बनाए थे। कितने डब्बे? 12 डब्बे लड्डू के बनाए थे। तो देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उन दोनों ने कितने लड्डू पैक किए? कितने लड्डू आप बता सकते हैं? देखिए 12 डब्बे हैं। उन्होंने 12 डब्बे पैक किए। तो 12, एक डिब्बे में कितने लड्डू बच्चों रखना है? दो। तो उन्होंने 12 डब्बे पैक किए, तो 12 को 2 से गुना कर देंगे तो 12 × 2 = 24। उन्होंने 24 लड्डू बनाए। कितने? 24 लड्डू उन्होंने कुल मिला के 24 लड्डू पैक किए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपने कैसे पता लगाया कि दोनों ने मिलकर कितने लड्डू पैक कर लिए? आपने कैसे पता लगाया कि दोनों ने कितने मिलकर पैक किए? आप अपनी कॉपी में लिखकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। बच्चों आपने किस तरह से किया है? देखिए 12 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो सीधा 24 लड्डू। इस तरह से आपको अपनी कॉपी में दिखा देना है अपने टीचर को। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। काम खत्म होने तक सबके द्वारा पैक किए गए लड्डू डिब्बों की संख्या कुछ इस प्रकार है। कितने लड्डू पैक किए गए? देखिए ये मम्मी है, ये शीना और ये सोहेब। इन्होंने कितने डिब्बे पैक किए? मम्मी ने 25, शीना ने 15 और सोहेब ने 20। चलिए मम्मी ने 25 अगर पैक किए हैं डिब्बे, तो हर डिब्बे में 2 लड्डू रखे हैं। ये देखिए उन्होंने 25 डिब्बे बनाए। 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 25 × 50। मम्मी ने 50 लड्डू पैक किए और देखिए शीना ने 15 डिब्बे बनाए। तो यहाँ पे 15 × 2, तो 15 × 2 = 30। अगर हम गुना कर देंगे 15 को 2 से, तो 30 आएगा। और सोहेब ने कितने किए हैं? 20 डिब्बे। उसको हमें 2 से गुना कर देना है, तो 20 × 2 = 40। सोहेब ने 40 लड्डू पैक किए। ठीक, चलिए सबने मिलकर कितने लड्डू पैक किए? क्या है? सबने मिलकर कितने लड्डू पैक किए?
अब इन तीनों ने, देखिए मम्मी ने 50 प्लस धन मतलब जोड़ना है, 30 जोड़ 40, अब इन तीनों को जोड़ देना है तो 50 और 40 हो गए 90, 120, पूरे 120 लड्डू पैक किए गए। लड्डू तीनों ने मिलकर 120 लड्डू पैक किए। चलिए दूसरा देख लेते हैं, अगर हर डिब्बे में 3 लड्डू डाले जाते तो उन्होंने 30 डिब्बे बनाने के लिए कितने लड्डू चाहिए। बच्चों देखिए सीधा सा है, यहाँ पे देख लेते हैं करके, अगर उन्होंने एक डिब्बे में 3 लड्डू डाले, ठीक, तो 30 डिब्बे में समझिए हमें 3 लड्डू डालने हैं तो कितने लड्डू आ जाएंगे वो देखिए, 30 रमा 0, 3 त्रिका 9, तो उन्हें 90 लड्डू, कितने लड्डू चाहिए यहाँ पे लिख दीजिए, 90 लड्डू की जरूरत पड़ेगी 30 डिब्बे में। 30 डिब्बे में देखिए थोड़ा गलत हो गया है, 30 डिब्बे में कितने लड्डू चाहिए, 90 लड्डू, ठीक। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या प्रश्न दिया है हमको, सॉल्व करना है। कुछ दिन बाद उनकी मम्मी को एक और ऑर्डर मिला, उन्हें 50 डिब्बे बनाने होंगे और एक डिब्बे में 4 लड्डू डालने हैं। उनकी मम्मी को एक और ऑर्डर मिला जिसमें 50 डिब्बे बनाने हैं और 4 लड्डू रखना है, तो देख लेते हैं इसे भी 50 है उसमें 4 से 4 एक डिब्बे में 4 लड्डू, 0 5 चौक 20, 200 लड्डू, तो 200 लड्डू। अगर अगर उनके पास 150 लड्डू हो तो क्या 50 डिब्बे बन पाएंगे, क्या कुछ लड्डू बच जाएंगे या कम पड़ जाएंगे। चलिए बच्चों अगर उनके पास 50 डिब्बे का ऑर्डर आया है सर मम्मी को उसकी सोहेब की, तो देखिए 150 और 4 लड्डू डालने हैं एक डिब्बे में, 150 लड्डू है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, पचास डिब्बे में 4 लड्डू डालने हैं, यहाँ 50 चौक तो कम पड़ जाएंगे, यहाँ पे 200 आएंगे, तो यहाँ पे लड्डू क्या पड़ जाएंगे बच्चों, कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये 200 लड्डू होते हैं और 150 ही लड्डू है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, आपने ये कैसे पता लगाया अपनी कॉपी में लिख के बताइए। बच्चों इसी तरह से हल करना है, देखिए 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200 लड्डू लगते हैं, तो उनके पास सिर्फ 150 लड्डू है तो 50 डब्बे में कैसे भरेंगे, कम पड़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, अभिभावकों के लिए संदेश, बच्चों को बताइए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें ये भी बताइए कि इस दिन हमारे तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी हुआ था, उन्हें देश के जवान और किसान की महत्ता को दर्शाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं बच्चों, कोरोना को अगर हराना है तो हमें मास्क जरूर लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों।